चून चुबारे रसोई केवल दिखावा करना, चून कम होना दिखावा ज्यादा करना, डंके की चोट पर कहना सबके सामने घोषित करना, डंके की चोट पे जैसे आप लोग कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं, उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पर, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया, क्या है झूठ, जो मॉक पेपर थे जो टेस्ट थे ठीक है वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट आपका पेपर था ब्लैक इसमें लिखा गया था आपके उसमें से नहीं आए, और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। ना तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं ना शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं, ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं उनकी पूजा करते, अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा, टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो, चीज़ों को स्वीकार करो, हम टीचर हैं परमात्मा नहीं है देवता नहीं है, टीचरों से गलतियाँ होती है, आपने मेहनत की है नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज़्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं वे गरीबों के बच्चे हैं किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत उन्हें कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गाँव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने, जो आपके यहाँ जीएस था जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो, उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है, आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गोरा और आप में जमीन आसमान का अंतर है, कुमार गोरा को मैंने खुद देखा है वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है, आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीज़ को लगाते हो कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो, इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आप सब पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा, आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है, पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे मैराथन गागर में 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहाँ बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो आप, ये काला जादू मैं भी कर सकता हूँ, ये 4000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40000 लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूँगा, मैं पैदाइश शिक्षक हूँ ठीक है, ये काला जादू मुझे ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबवाते हो, इसी को 1.5-2 लाख दिखा सकता हूँ लेकिन नहीं दिखाऊंगा, पैदाइश टीचर हूँ, शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूँ लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज़ चलती रही, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके हम लोगों पे भरोसा करके गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में हैं, बच्चे लखनऊ में हैं, बच्चे कानपुर में हैं, बच्चे मेरठ में हैं, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके जीएस के क्वेश्चंस उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टप कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपकी टेस्टरी ज्वाइन करें, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले, तो ये नौटंकी मत कीजिए, शुरू से लेके अब तक की सारी चीज़ खोल के रख दूंगा, स्टूडेंट नहीं हूँ टीचर हूँ, आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई है मुझे ज़्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूँ डंके की चोट पे वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया अपमान करके भगाया वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाने चाहिए, उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी, आप क्या कह रहे हो गर्दन पकड़ने की बात ठीक है, जितनी आपकी उम्र है जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो उससे ज़्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, आइए आप ऑफलाइन में ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं इसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े ठीक है, आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा वहां पहुंचूंगा, एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन।